सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रियल इंडियन होम एंड किचन को और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने ड्रेसिंग टेबल के टॉप सेक्शन का ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत ही छोटा सा, बहुत ही टिनी टाइनी सा है। एक्चुअली मेरे मैरिज पे जो मुझे ड्रेसिंग टेबल मिला था वो बहुत बड़ा था, पर इस घर के अकॉर्डिंग और सिद्धार्थ के होने के बाद मैंने थोड़ी सी जगह बनाने के लिए छोटा बनवा लिया और उस ड्रेसिंग टेबल को मैंने बाहर कर दिया और इसी वजह से वो ख़राब हो गया था। तो इसलिए ये छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है। तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मोटिव है कि मैं दिखा सकूं कि मैंने छोटे से ड्रेसिंग टेबल के ऊपर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। मे बी इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को सिंपल बना देती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगी, ये मैंने बहुत मेहनत करके, ये ओल्ड फोटोज़ हैं जो मैंने निकाली हैं। ये मेरा पुराना ड्रेसिंग टेबल था जो मुझे मैरिज में मिला था, ये 10 ईयर पहले की फ़ोटो है। तो चलिए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे कॉर्नर पे मैंने ये एक ट्रे रखी हुई है जो कि कांच की एक बहुत ही प्यारी सी ट्रे है। तो इसके अंदर मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे तुरंत चाहिए होती हैं, जैसे कि क्लचर्स हैं मेरे, मेरे रबड़ बैंड्स हैं जो आपको तुरंत चाहिए होते हैं, और ये अगर इधर उधर खो जाएँ तो बहुत मुसीबत होती है। तो इसलिए मैं रबर बैंड को इस तरीके से अपने पुराने क्लचर में लगाकर रखती हूँ। और ट्रे रखने का ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जब भी आप हड़बड़ी में बाहर से आते हैं तो उस समय आप सारी अपनी एसेसरीज उतार के इसमें रख दीजिए और बाद में आप उनको ऑर्गेनाइज करके उनकी जगह पे रखिए। तो इससे क्या होता है, आपका ड्रेसिंग टेबल कभी मैसी नहीं लगेगा। और ये होममेड काजल है जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ जब मैं घर पर रहती हूँ, तो मैं ये वाला काजल यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने बना के एक छोटी सी डिब्बी में करके रखा हुआ है। तो अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। तो इस ट्रे के बाद में मैंने साइड में एक ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है मिडल सेक्शन में। तो इसमें मैं अरेंज करती हूँ अपनी सारी लिपस्टिक्स और अपने नेल पेंट्स और प्लस छोटी मोटी और चीज़ें हैं जो मुझे तुरंत फुरंत चाहिए होती हैं, मैं वही ऊपर रखती हूँ। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र है, ये मुझे सिर्फ 20 रुपीज़ में एक लोकल मार्केट में मिला था। और यहाँ पे आप छोटी सी जो ट्रे देख रहे हैं वाइट कलर की, जिसमें मैंने नेल पेंट्स लगाए हैं, वो इसी ऑर्गेनाइज़र का ढक्कन है जिसके ऊपर मैंने नेल पेंट्स लगा दिए हैं। तो मैंने इस ऑर्गेनाइज़र में रखा है अपना लिप बाम, ये VLCC का लिप बाम है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, बट इसका जो हनी है वो सबसे बेस्ट है, तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हम मैरिड वुमेंस का सबसे प्रीसेस चीज़ जो हम नहाने के बाद हमें तुरंत चाहिए होता है, हमारा सिंदूर। तो सिंदूर तुरंत हमें नहाने के बाद चाहिए होता है, तो वो मैंने यहाँ रखा है। प्लस मैं यहाँ पे वो मेडिसिन्स रख लेती हूँ जो मैं भूलना नहीं चाहती हूँ, जैसे मेरे बेटे के भी आई ड्रॉप्स चल रही हैं एलर्जी की, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो रखी हुई हैं ताकि मैं उन्हें कभी भी ना भूलूँ, वो हमेशा मेरी आँख के सामने रहें। इसके बाद बीच के सेक्शन में और राइट सेक्शन में मैंने रखा हुआ है अपनी लिपस्टिक्स। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं हैं, 8-9 लिपस्टिक्स हैं, और वो जो भी हैं मैंने ऊपर रखी हुई हैं क्योंकि मुझे लिपस्टिक्स बहुत पसंद हैं और मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, हल्की सी लिपस्टिक मैं हमेशा लगा के रखती हूँ। तो अभी जो मैंने दिखाई वो मेबलिन की लिपस्टिक थी जो मेरी फेवरेट है, ये ओरिफ्लेम की लिपस्टिक है, बट ये इनकी जो स्टे पावर है वो उतना अच्छा नहीं है, लिप्स पे अच्छे से स्टे नहीं करती हैं, तो मैं बस इन्हें ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। मैंने एक ही साथ 4 खरीद ली थी, अब मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ इसके लिए। तो ये वाली हैं। और इसके बाद मेरी हमेशा से फेवरेट रही हैं एलेटिन की लिपस्टिक्स, तो मुझे एलेटिन लिपस्टिक बहुत पसंद है। तो ये जो लिपस्टिक है अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ की है, बहुत ही प्यारा सा इसका कलर है, बहुत ही एवरीडे पर्पज़ है, आप एवरीडे इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रल सा कलर आता है आपके लिप्स पे। और ये जो लिपस्टिक मैं आपको शो कर रही हूँ ये भी एलेटिन की है, ये 1 साल पुरानी है इसलिए ऐसी दिख रही है। एक्चुअली ये जो शेड है वो मैं पिछले 8 सालों से यूज़ कर रही हूँ, आई मीन सेम लिपस्टिक नहीं, मैं जब ये ख़त्म हो जाता है तो मैं इसे दोबारा से परचेज़ कर लेती हूँ। तो ये है बरगंडी वाइन कलर और इसका नंबर है 47, जो मुझे एकदम रट गया है इतने सालों से खरीद खरीद के। और ये अब तक की मेरी दी मोस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स में से एक है, उसकी स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है। और ये एक रेड शेड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी एलेटिन का ही है। तो ये थी छोटी सी लिपस्टिक की कलेक्शन।
तो जैसे कि मेरा ड्रेसिंग टेबल बहुत छोटा है, तो मैं चाहूँ तो अपने नेल पेंट्स को ड्रेसिंग टेबल के अंदर रख सकती हूँ, क्योंकि इनका हमें रोज़ रोज़ काम नहीं लगता है, हम 2-4-5 दिन पे एक बार चेंज करते हैं। लेकिन मुझे नेल पेंट्स इतने ज़्यादा पसंद हैं कि मुझे उन्हें देखना ही पसंद है, तो मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल पर कुछ नेल पेंट्स हमेशा चाहिए होते हैं, तो इसलिए मैंने स्ट्रे में नेल पेंट्स को सजा के रख दिया है। तो ये जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, ये नायका से मैंने नेल पेंट्स ऑर्डर किए थे और ये बहुत ही अच्छे निकले। मैंने बहुत सुना था नायका के नेल पेंट्स के बारे में, तो मैंने ये लास्ट ईयर ऑर्डर किए थे, अभी तक चल रहे हैं क्योंकि उतना यूज़ नहीं हो पाता है, तो अभी तक तीनों चल रहे हैं। और ये नेल पेंट आपके नेल्स पे 5-6 दिन तक आराम से स्टे कर जाता है। उसके बाद ये नेल पेंट्स हैं जो मैंने लोकल ऐसे ही मार्केट से खरीदे हैं, पर इनकी स्टेबिलिटी भी मुझे पसंद आती है। ये 4-5 दिन आराम से बिना चिपकी आपकी नेल्स पे रहते हैं। तो ये कुछ शेड्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इन्हें अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखती हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपना लेंस केस रखा हुआ है इसी ट्रे में, क्योंकि मेरी आई साइट काफ़ी वीक है, तो मैं लेंसेज यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने लेंस रखे हुए हैं और साथ साथ में छोटी सी मॉइस्चराइज़र की डिब्बियाँ हैं जो मेरा बेटा हमेशा मेडिकल शॉप से जब भी जाता है तो ख़रीद लेता है, उसको बहुत क्यूट लगती हैं और वो खुद ही यहाँ पर सजा के रखता है, तो ये उसने रखा है। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का मॉइस्चराइज़र, इसमें एक एलोवेरा भी आता है, जो एलोवेरा की स्मेल मुझे ज़्यादा पसंद है। इसकी स्मेल थोड़ी बिस्किट टाइप की है, बट एलोवेरा वाली ज़्यादा अच्छी है, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो इसके पीछे ये ऑरेंज कलर की बास्केट है जो मैंने अमेजोन से खरीदी थी, और ये 2 का सेट था, मुझे 49 रुपीज़ में आई थिंक 2 मिले थे, मुझे ढंग से याद नहीं है। ये नाइसा ब्रांड के हैं, तो इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैं अपने सारे कॉम ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। उसके बाद ये एक पॉट है, क्ले पॉट है छोटा सा, तो इसमें ऑर्गेनाइज़ की हुई है मैंने अपनी सारी मेकअप की ब्रशेस। ये ब्रशेस भी मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और काफ़ी पसंद आई मुझे और बहुत रिजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गई थी। इसके साथ साथ मैंने अपने लाइनर्स रखे हुए हैं, ये ब्लू लाइनर है और प्लस ये काजल मैं आपको शो करना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा काजल है, अभी रिसेंटली मैंने नायका से ऑर्डर किया। ये फेसेस का काजल है, इसकी MRP थी 349 रुपीज़ की, पर मुझे ये 242 रुपीज़ का डिस्काउंट पे मिला, और इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है, मुझे आज तक का सबसे बेस्ट काजल यही लगा है, बहुत अच्छा है फेसेस का, तो ये आप खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा काजल है। और उसके बाद ये थोड़े से लिप लाइनर्स हैं जो मैंने इसी में ब्रश के साथ ही रखे हुए हैं, और प्लस ये मेरा फेवरेट मस्कारा है जो कि मेबलिन ब्रांड का है, तो ये भी मैंने नायका ही से लिया था और ये बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिला था। मैंने ये इजी वॉश वर्जन लिया है बिकॉज़ मैं वाटरप्रूफ मेकअप जो है यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने इजी वॉश वाला लिया है। तो ये थे मेकअप ब्रशेस, और मेकअप ब्रशेस के बैक साइड पे मैंने छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैं अपनी डेली की वॉचेस रखती हूँ जो मैं डेली पहनती हूँ, जैसे कि बेटे को स्कूल से लाने जाना है, स्कूल से छोड़ने जाना है, आसपास कहीं मार्केट में जाना है, तो उसके लिए जो मैं वॉचेस यूज़ करती हूँ मैं उसे भी थोड़ा संभाल के ही रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने कॉटन में करके ये वॉचेस रखी हुई है, और ये वॉच जो मेरी पहली दिवाली थी उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वॉच है, ये भी मैं रेगुलर यूज़ में पहनती हूँ। तो ये वॉचेस हैं जिन्हें मैंने इस तरीके से रखा हुआ है ताकि इन पे स्क्रैच ना आए। इसके बाद ड्रेसिंग टेबल के राइट कॉर्नर में, मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे मैंने थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे डिओड्रेंट्स रखे हुए हैं। तो ये डिओड्रेंट है इंगेज का पिंक वाला, ये मुझे बहुत पसंद था, अभी तक मेरा फेवरेट था, काफ़ी दिनों से मैं इसे लगा रही थी और इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है यार्डले का ये मॉर्निंग ड्यू, और ये इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी हार्ड है, स्मेल जो है बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये स्टेबिलिटी भी इसकी ठीक ठाक है और इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारा है, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है सिद के लिए यहाँ पे पाउडर है, और उसके बाद ये मैंने रखा है रोज़ वाटर जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, मेरा डेली की स्किन केयर जो रूटीन है मेरा उसमें बस 2-3 चीज़ें हैं, तो उसमें रोज़ वाटर पक्का आता है, मैं रोज़ वाटर डेली यूज़ करती हूँ 2 बार। उसके बाद ये एक सनस्क्रीन है जो कि मेडिकेटेड है, ये डर्माटोलॉजिस्ट से सजेस्टेड है, ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने दिखाया था डर्माटोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने उनके लिए सजेस्ट किया है, तो ये मेरे हस्बैंड की सनस्क्रीन है जो वो डेली यूज़ करते हैं, तो वो ड्रेसिंग पे हमेशा रहती है। उसके बाद है ये पतंजलि का एलोवेरा जेल,
जो कि सालों हो चुके हैं अब यूज़ करते करते और बहुत ही अच्छा है, तो डेली मैं इसे अपने स्किन पे ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वीडियो ड्रेसिंग टेबल टॉप की ऑर्गेनाइजेशन की, किस तरह से मैंने टॉप सेक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ड्रेसिंग टेबल के अंदर जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, पर उसके लिए कुछ और आइडिया है मेरे दिमाग में, तो वो मैं वीडियो बाद में लेकर आऊँगी। तो होपफुली फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस टाइप की और वीडियोस चाहते हैं आप मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और होम कुकिंग और रूटीन की वीडियोस और लेकर इसी तरीके से आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।